हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर रहेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो अभी होने हैं उनके पैटर्न को लेके, कि कितने नंबर का पेपर आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएंगे, उस पैटर्न को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, आपका टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा और इस 40 मार्क्स के पेपर करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? 10 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के। 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीन तीन नंबर के। दो और दो बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5-5 मार्क्स के। ठीक है, तो आपका 40 मार्क्स का एग्जाम का पैटर्न ये रहने वाला है। इन मैथ्स के आपके एग्जाम डेट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स रहेंगे, मैं फिर से बता दूं, क्लास 9th का 3 अक्टूबर को मैथ्स का एग्जाम है, क्लास 10th का 4 अक्टूबर को, क्लास 11th का 3 अक्टूबर को ही एग्जाम है और क्लास 12th का 29 सितंबर को मैथ्स का एग्जाम है। सैंपल पेपर हर एक क्लास के मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल पर बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। डेटशीट के हिसाब से सबसे पहले क्लास 12th का सैंपल पेपर अपलोड किया जाएगा, उसके बाद 9th का, 11th का और देन क्लास 10th का सैंपल पेपर अवेलेबल रहेगा। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने डेटशीट को और जो सिलेबस आना है उस सिलेबस को डिस्कस किया था। उस लेक्चर का लिंक भी मैं आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी। ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल पे अवेलेबल है। सैंपल पेपर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सैंपल पेपर अवेलेबल होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों।